हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन। में आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई। और हमने पिछली बार बनाया था पार्ट वन, एक वीडियो बना रखा है 3 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आज हम बनाने जा रहे हैं पार्ट टू, जहां पे हम आगे बढ़ेंगे सीधा। पुराने वाले चैप्टर जिसके देखने बाकी, पुराना वाला वीडियो उठा के देख लो। आज हम नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जिस किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए, ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, इसके साथ में हमारे सारे डिटेल्ड नोट्स, हमारे क्वेश्चन बैंक्स, हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स, सब कुछ आपको मिल जाएंगे शेपर्स ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप जाके सारे के सारे डाउनलोड कर सकते हो, बिंदास यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे फिलहाल के लिए हम। और अगर आप में से किसी ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे मिलते हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, और मैं कोशिश करता हूं उनको सारे सवालों के जवाब दूं। मेरी इंस्टा आईडी है MOHIT मोहित, SIRR दो है, एक नहीं है, ध्यान रखना। तो आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। कोई भी आपके पर्सनल क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो, कोई भी तकलीफ हो, आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर से जवाब देने की कोशिश करता रहूंगा। चलिए तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं आज के हमारे चैप्टर पे। इस चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। चलिए, कंट्रोलिंग चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा मेजर नहीं है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब पढ़ लेते हैं। पहले ऐसे एक्सप्लेन वाले स्टेटमेंट खूब आएंगे कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दो साइड्स है एक ही सेम कॉइन की। ऑफकोर्स सही बात है, क्योंकि कंट्रोलिंग करने पर आपको पता चलता है कि आपकी प्लान में प्रॉब्लम क्या थी। कंट्रोलिंग जब आप करोगे, सवालों के जवाब जब आप मांगोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके प्लानिंग में ये फॉल्ट थी, और उस फॉल्ट को करेक्ट करने के लिए आपको ये स्टेप्स लेना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग के बाद में फिर से प्लानिंग होती है, और प्लानिंग का आखिरी स्टेप फिर से कंट्रोलिंग होता ही होता है। सो यस, वी कैन से दैट कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। अगेन, कंट्रोलिंग इज नॉट अ नेगेटिव फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप कंट्रोलिंग करो, मेक श्योर कि आपके इंप्लॉइज, आपके सबॉर्डिनेट्स बहुत ही कंफर्टेबल हो, उनको कंट्रोलिंग नेगेटिव नहीं लगना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि आपसे सवाल जवाब इसलिए किए जा रहे हैं जिससे आपको एक अच्छा फीडबैक दे सके, जिससे आपका खुद का डेवलपमेंट हो सके। इसलिए कंट्रोलिंग को बहुत तरीके से करना जरूरी होता है। चलिए, वैसे कंट्रोलिंग इज नॉट एन एंड एक्टिविटी, ऑफ कोर्स नॉट, कंट्रोलिंग एंड एक्टिविटी नहीं है। इनफैक्ट कंट्रोलिंग नेक्स्ट एक्टिविटी है प्लानिंग के लिए, भैया आखिरी एक्टिविटी मत गिनो। क्योंकि बेसिकली अगर आप मानो तो सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक राउंड है, राइट? प्लानिंग से कंट्रोलिंग खत्म होती है, वापस से प्लानिंग चालू हो जाता है, तो वो गोल गोल घूमता रहता है, उसको एंड एक्टिविटी कहना बहुत ही गलत रहेगा। अगला चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। इस चैप्टर ने बहुत बच्चों को परेशान करके रखा है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा अच्छा है, बट अगेन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशंस वगैरह, कोई भी एक डेफिनेशन आप याद कर लो चलेगा, मोर देन इनफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। भैया किसी को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है और किसी को ज्यादा वैल्यूएशन लाना है। मुझे पता है आप लोग सब आजकल शार्क टैंक देखने वाले हो गए हो, आप समझते हो ये वैल्यूएशन क्या होता है, क्योंकि हमारे देश में आज की तारीख में स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, हर किसी को वैल्यूएशन 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 का गेम पता है। सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेसिकली वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, वैल्यूएशन इंप्रूव करने के लिए होता है, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वैल्यूएशन पे इंपॉर्टेंट नहीं देता है, वो करंट ईयर के प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करता है। सो दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हो। चलिए इसके बाद में तो आपको ये भी देखना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब ये कुछ बेसिक शॉर्ट नोट्स आते हैं, डिस्कशन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, डिस्कशन रिलेटेड टू डिविडेंड, ये सब आप एक एक बार पढ़ लेना, आएंगे नहीं, डोंट वरी। स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पे कौन से फैक्टर्स के इफेक्ट आते हैं, एग्जाम में पूछेंगे, 3 मार्क के 5 मार्क में भी पूछ सकते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, रोज बिजनेस चलाने के लिए हमें जो पैसा चाहिए उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तो भैया किन चीजों पर डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए या ज्यादा चाहिए। सबसे पहला डिपेंड करता है टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का टाइप कौन सा है। आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा, आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा, आपका ट्रेडिंग होगा, कंपैरेटिवली वर्किंग कैपिटल कम होगा। हमारे जैसे सर्विस प्रोफेशनल्स का वर्किंग कैपिटल होता ही नहीं है, राइट? सो हर किसी के बिजनेस में अलग अलग होता है।
नेक्स्ट इज साइज ऑफ बिजनेस। छोटे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कम होता है, बड़े में ज्यादा होता है। प्रोडक्शन साइकिल, आपके प्रोडक्शन साइकिल कितने दिन के, उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल डिफाइन किया जाता है। प्रोडक्शन पॉलिसीज एंड टाइप ऑफ डिमांड, मार्केट में डिमांड कैसा रहता है, क्या आपका सीजनल गुड्स है, सीजनल गुड्स में वर्किंग कैपिटल बहुत चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको 6-8 महीने गुड्स बनाने हैं, बनाने हैं, बनाने हैं, स्टॉक पाइल अप करते जाना, और फिर अचानक से 2-3 महीने में सारा माल बिक जाता है। तो ऐसे पर्टिकुलर अगर आपकी प्रोडक्शन पॉलिसीज है तो आपको स्टॉक पाइल अप खूब करके रखना पड़ता है। साथ ही में क्या आप उधार पे माल देते हैं, अगर आप उधार पे देते हैं आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिएगा, अगर आप क्रेडिट पे गुड्स नहीं बेचते आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिएगा। कन्वर्जेंस क्या क्या है, आप कितना जल्दी अपने डेटर्स को वापस से कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, आपको कितना जल्दी पेमेंट मिलता है, मतलब अगर आपके डेटर्स 10 दिन में 15 दिन में पेमेंट देते हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, बट वही डेटर्स अगर 90 दिन में 100 दिन में पैसा दे रहे हैं आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है, आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है, आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आपको कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। बच्चा लोग ये 10 पॉइंट है, इतने नहीं लिखने हैं भाई, इतने नहीं लिखने हैं, इतने याद करो, पढ़ो, 6 याद रह जाएंगे एग्जाम में, 6, 4, 5, 6 लिख के आओगे चलेगा, दैट्स इट। ये 5 मार्क का आंसर होगा तो 10 लिखो, क्योंकि आप ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। अगर डिटेल में एक्सप्लेन करो तो 5 भी चलते हैं, बट जितना छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन है आपको 10 लिखने चाहिए 5 मार्क के आंसर्स के अंदर। 3 मार्क के आंसर्स में 6 लिख के आ जाओ, क्योंकि हमने 2-2 लाइन में एक्सप्लेन किया, ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लेके गए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है, आपको कोई भी टर्म पूछ सकते हैं, जैसे कि पहला टर्म ट्रेजरी बिल समझाओ, आपको समझाना पड़ सकता है ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये सब हमने 5 मार्क वाले में डिस्कस करके रखे हैं। एग्जाम में इनमें से कोई भी एक एक टॉपिक उठा उठा के लोग पूछ सकते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट एंड क्लेरिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपिटल मार्केट कौन से होते हैं। हमें पता है भैया मार्केट बेसिकली 2 फॉर्मेट में होते हैं, पहला होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को फ्रेश मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को सेकेंड हैंड मार्केट भी कहा जाता है। सो मार्केट के क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कैपिटल मार्केट बेसिकली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए होता है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में 2 होती है, एक होती है ओन फंड, एक होती है बोरोड फंड। ओन फंड को कहा जाता है शेयर्स, बोरोड फंड के एग्जाम्पल्स में आते हैं डिबेंचर्स। कैपिटल मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है और ये अच्छा वेटेज कैरी करता है एग्जाम के अंदर भी। चलिए फिर कुछ एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। प्राइमरी मार्केट मीन्स अ मार्केट ऑफ न्यू इश्यू, मैंने कहा था प्राइमरी मार्केट फ्रेश मार्केट होता है, फर्स्ट हैंड मार्केट होता है। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मार्केट, जहां पे पहले पहले गुड्स को इशू किया जाता है। सो यस, प्राइमरी मार्केट इज अ फ्रेश इशू मार्केट। सेम वे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इट इज अ मार्केट फॉर न्यूली इशूड सिक्योरिटीज, एज आई ऑलरेडी सेड। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स को नई सिक्योरिटी खरीदने का मौका मिलता है। प्राइमरी मार्केट के अंदर लीड मैनेजर्स होते हैं, रजिस्ट्रार्स होते हैं, शेयर ब्रोकर्स होते हैं। प्राइमरी मार्केट नया कैपिटल जनरेट करता है, इसलिए प्राइमरी मार्केट में आपको प्रोस्पेक्टस इशू करके अपने बायर्स को बुलाना पड़ता है। सेकेंडरी मार्केट आप सबको पता है, स्टॉक मार्केट इज सेकेंडरी मार्केट, राइट गाइस। चलिए इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से पढ़ लेना, सेलिंग और मार्केटिंग में क्या फर्क होता है। वन ऑफ माई फेवरेट आंसर, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के ये आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। सेलिंग का मतलब होता है गुड्स बेचना, जबकि मार्केटिंग का मतलब होता है सिर्फ गुड्स बेचना नहीं, मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। सेलिंग का मतलब होता है माल बेचो, तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते। मार्केटिंग ऐसा नहीं कहता है, मार्केटिंग आपको आफ्टर सेल सर्विसेज देता है, मार्केटिंग आपको लॉन्ग टर्म के लिए रोकना चाहता है। सो मार्केटिंग इज द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग पुराने कॉन्सेप्ट हो गए भैया। सो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा लोग एक चीज ध्यान रखना, जब भी डिफरेंस लिखो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखना कभी मत भूलना, ये लिखना कभी मिस मत करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर पे दबदबा बनता है तुम्हारा जब तुम ऐसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख के फिर इसको एक्सप्लेन करते हो। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं चाहूंगा जिनके पास मेरी ये PDF नहीं है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे और इसको अच्छे से याद करे, वैसे आपके टेक्स्ट बुक में होगा ये, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप। इजी क्वेश्चन है, मन से लिखोगे चलेगा। एक्सप्लेन द सेलिंग कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग कॉन्सेप्ट जब भी आएगा ये लाइन लिखना मत भूलना, कंज्यूमर विल नॉट बाय इनफ ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट
unless it undertakes a large scale selling and promotion efforts. Selling concept कहता है कि आप अगर चाहते हो कि आपका market share खूब बड़ा हो तो आपको थोड़ा selling और promotion efforts करना पड़ेगा. एक अच्छे production के लिए अच्छा selling होना जरूरी है. So selling concept कहता है कि aggressive marketing methods को use करना पड़ेगा अगर आप कोने कोने तक अपने सामान को पहुंचाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया अच्छे सेल्समैन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. बहुत कॉमन आंसर है, मन से भी लिख सकते हैं, बट तो भी बहुत बार पूछा गया कि भैया स्मार्ट होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, कम्युनिकेशन में होशियार होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानने वाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए. सेल्स मैनेजर बेसिकली अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया, तो उनको बहुत तरीके से मैनरफुली बिहेव करना आना चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सेल्स और सेल्समैन बहुत ही एंथुसियास्टिक होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए. भैया एक मावा गुटका खा के अगर एक सेल्स मैनेजर जाएगा तो वो वही प्रोडक्ट बेच सकता है. आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई स्कूल टीचर या कोई ट्यूशन टीचर तंबाकू चबा के या च्युइंगम चबा के क्लास में आ रहा है और बच्चों को पढ़ा रहा है. तो सॉरी टू से, ऐसे टीचर के लिए कोई खास रिस्पेक्ट नहीं है मेरी. Right? If you are teacher, you have to behave like teacher, right? So this is the basic thing. आप गुटका खा के क्लास में पढ़ाने नहीं आ सकते because you are representing the whole community. Same way, salesman जब अगर किसी के घर पे कुछ commodity बेचने जा रहा है तो उसको properly tag in करके जाना चाहिए. आप क्या commodity को बेच रहे हो, किस company को represent कर रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए. अगर आप किसी कार खरीदने जा रहे हो, किसी शोरूम वाले को बोलोगे हाँ भैया घर पे आइए मुझे बताइए क्या गाड़ी है, तो आप देखिएगा वो शोरूम वाला बंदा कितना तरीके से आएगा. अब वो उसके शोरूम को डिपेक्ट करेगा. अगर कोई इंडियन कार होगी, भैया मारुति वाले को बुलाया तो वो पैंट शर्ट इन करके आएगा. अब मर्सिडीज वाले को बुलाइए, वो सूट पहन के आएगा क्योंकि वो अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसलिए सेल्समैन के कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेंगे आपको. अच्छा क्वेश्चन है ये. चलिए सो इसके आगे बढ़ते हैं. आखिरी चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. इसका पहला आंसर ही धुआंधार आंसर है. इंपॉर्टेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के व्यू पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के. सबसे पहला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर आप करोगे तो आपके रिसोर्सेज, आपके वेल्थ को पब्लिक यूज करेगी. आप ध्यान रखो कि आप पब्लिक के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, आप ध्यान रखो आप पब्लिक के वेल्थ को यूज कर रहे हो, तो आपको वापस से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो पैसा आप कमा रहे हो पब्लिक के भरोसे कमा रहे हो भैया, ध्यान रखना. नेक्स्ट, ये आपकी जिम्मेदारी भी है. साथ में आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप सोसाइटी का पार्ट है. आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके सारे काम एक इंप्रेशन छोड़ते हैं सोसाइटी पे. जैसे आज हम सब जानते हैं कि टाटा का घर भगवान का घर है भैया, राइट? क्योंकि टाटा ने आज तक दुनिया का भलाई किया है. सो वी ऑल हैव दैट इंप्रेशन इन माइंड कि टाटा है मतलब अच्छा ही हो गया, राइट? सो कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन सोसाइटी में लास्ट तक रहता है. साथ ही में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक अच्छे बिजनेस की निशानी होती है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने से आपके और बिजनेस के बीच में, मतलब कंज्यूमर के और बिजनेस के बीच में, एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होता है. जब एक बिजनेस कंज्यूमर को सपोर्ट करता है तो वो कंज्यूमर वापस से बिजनेस को भी सपोर्ट करता है जरूरत आने पर. सो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. अब कंप्लेंट्स, अब ये सेटलमेंट्स के जो अलग अलग जगह होती है वो आपको नाम याद करने पड़ेंगे. कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए क्या क्या किया जाता है वो भी इम्पोर्टेंट है, और ये सब आपको पढ़ लेना चाहिए. ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है एक आध बार, तो ध्यान से कर लीजिएगा, राइट? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है. ये दो मेरी प्यारी सी किताबें हैं. ये किताबें आपको अगर चाहिए तो आप हमारे ऐप पे आके किताब खरीद सकते हैं. एक किताब सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में मिलेगी, जिसमें 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क के इंपॉर्टेंट वाले PDF आएंगे ही आएंगे, साथ ही में सारे चैप्टर्स आएंगे. मैंने एक वीडियो पूरा बनाया इन बुक का पूरा मैंने व्यू आपको दिखाया है. आप आराम से वो वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीजें पता चलेगा कि हमारी 99 रुपीज की किताब में 300 पन्ने की मेहनत आप तक पहुंचती है. तो आप चाहे तो आराम से इसको खरीद सकते हैं. कैसे खरीदना है सब कुछ आपको YouTube वीडियो पर हमने दिखा रखा है. तो चलिए बच्चा लोग, मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां पे हम 2 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचाएंगे. तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखते रहिए.